और आज का जो सेशन है जिसका नाम हमने रखा है कि हाउ टू अर्न 25 to 30,000 पर मंथ बाय यूजिंग योर स्पेयर टाइम। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आप अपने जो बेकार का समय है, बेकार का समय यानी जो समय हम लोग फालतू का व्यतीत करते हैं, चाहे वो टीवी देख के हो, चाहे फेसबुक स्क्रॉल करके हो, या फिर बाकी सोशल मीडिया का हम लोग यूज करते हैं, या कुछ भी ऐसा काम जिसमें कोई प्रोडक्टिव चीज हम नहीं कर पाते हैं, हम ऐसे समय को किस तरह यूटिलाइज करेंगे कि हम घर बैठे महीना 25 से 30,000 इनकम कर सकें। मैं स्वागत करता हूं आप सारे नए लोगों का। मुझे मालूम है कि आज बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नए हैं इस सेशन में, और काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सेशन जो है सर बहुत लंबा नहीं कीजिएगा, तो डेफिनेटली बिल्कुल मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि सेशन बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सीधे तरीके से मैं आपको समझाऊं। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस सेशन में, और आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग इनकम करना चाहते हैं, आप सबके अपने अपने सपने हैं। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि क्या आपके सपने हैं। अगर आपके सपने हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस सेशन में, और अगर ड्रीम्स नहीं है तो माय फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूंगा कि अगला जो 30-40 मिनट हम लोग बिताने वाले हैं, अगर आपके पास सपने नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग अपना जो माइंड, जो जिस माइंडसेट में लोग जाना चाहते हैं, जिस वजह से आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि इफ यू डोंट हैव ड्रीम्स, अगर सपने नहीं है तो काइंडली अपने सपनों को जगाइए, और या फिर आप अपने 40 मिनट बर्बाद करने से बचने के लिए आप इस जूम सेशन को इसी वक्त छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ, मैं अपने परिचय से शुरू करता हूँ। मेरा नाम देव महापात्र हुआ, और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिस सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जहां से हम लोग महीना 25 से 30,000 इनकम करने की बात करेंगे, और यहाँ से और भी ज्यादा इनकम किया जा सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली आज इसी सिस्टम की ओर बात करेंगे कि कैसे हम लोग 25 से 30,000 का इनकम कर सके, वो भी घर बैठे। क्योंकि आज का सिचुएशन ऐसा है कि लोग बाहर निकलने से डरते हैं, आज का सिचुएशन ऐसा है कि लोग दूसरे लोगों से मिलने से डर रहे हैं, तो ऐसे में घर बैठे हम लोग कैसे कमाएं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है ना दोस्त, कि आज मैक्सिमम लोगों का रोजगार जो है वो जा चुका है। आज घर बैठे लोगों का सबसे बड़ी समस्या है कि हम कैसे अपना EMI फुलफिल करें, कैसे अपने घर का जो जरूरत है उसको पूरा करें। इसलिए आज मैं बात करूंगा सिर्फ जरूरतों के आधार पर, जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, और ये हम घर बैठे कैसे करें। तो जैसा कि मैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरा नाम देव महापात्र है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, और मैंने काफी सारे ट्रेडिशनल बिजनेस भी ट्राई किया, लेकिन बेसिकली जितने भी पारंपरिक बिजनेस मैंने किया उसमें मेरा जो मेन पार्ट होता था, मैं हमेशा मार्केटिंग देखता था, और मुझे इसलिए मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत इतना नॉलेज है कि मार्केटिंग का जो ये क्षेत्र है, जो एरिया है, ये आपको आपका मनचाहा परिणाम दे सकता है और आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। और लेटर ऑन जब थोड़ा सा समय बिता और मुझे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या होता है, जैसे ये वर्ड आपके दिमाग में आता है तो हम में से काफी सारे लोगों को ना नेटवर्क मार्केटिंग हमने सुन चुका होता है, और हम अपने अनुभव के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये बिजनेस कैसा है, ये लोगों को जोड़ने वाला है, लोगों को टोपी पहनाने वाला है, लोगों को बुड़बक बनाने वाला है, ऐसे न जाने कई सारे वर्ड्स। लेकिन आज एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और यकीन मानिए, सिर्फ मैंने इस ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग अभी है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के 20 से 30 साल का अनुभव है। तो अगर हमें अपना वेट लॉस करना है या हमें अपना हेल्थ गेन करना है, तो हम डेफिनेटली एक इंस्ट्रक्टर से पूछेंगे जिनको इस चीज के बारे में मालूम है। लेकिन गलतियां हम ये करते हैं ना दोस्त, कि कई बार हम ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जिनको प्रॉपरली उनका नॉलेज नहीं है। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बिल्कुल सही जानकारी देना, और एट लास्ट हम लोग इस सेशन के लास्ट में जो माहिर है इस क्षेत्र में, इस ग्रुप में, आपको मैं थोड़ा बता देना चाहूंगा, हमारे महागुरु श्री चंचल सर अभी है इस सेशन में, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है उनके पास, 30 से ज्यादा देशों का वो भ्रमण कर चुके हैं, और आज का डेट में एक लग्जरी का जैगुआर मेंटेन कर रहे हैं विद द इनकम, मंथली इनकम 10 लाख प्लस। तो वे आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि किस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा जैगुआर, BMW, ऑडी के नहीं, आज बात करूंगा बेसिक, हमारे बेसिक नीड्स का। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं वापस से आप लोगों को फिर से वही सवाल पूछूंगा कि क्या आपके सपने हैं, डू यू हैव ड्रीम्स। अगर आपके सपने हैं तो वेलकम टू द सेशन, स्वागत करता हूं आपके सेशन में। लेकिन कई बार ना सपने हमारे किस किस तरह के होते हैं, स्लाइड में जरा देखिए, सपने इसमें से कुछ भी हो सकते हैं।
आपको वर्ल्ड टूर का सपना हो सकता है, आपका बड़ा घर का सपना हो सकता है, फैंसी कार का हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस का हो सकता है, आप चाहते हैं कि हम इतना कमा लें कि हम किसी और की मदद कर सके। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे सके। ये सारे ना सपने तो ही, लेकिन साथ में ना ये हमारी जरूरतें भी है। हम सब, हमें से कौन नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हम अपने क्वालिटी टाइम बिता सके। हमें से कौन नहीं चाहता कि हमारे पास एक अच्छा घर हो। चलिए, ये तो सपने हैं, और अगर आपके पास सपने हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस पूरे यू नो सृष्टि में हम एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो सपने देख सकते हैं। तो जब भगवान ने हमें इस वरदान से नवाजा है, जब हमें ये वरदान मिला है, तो हमें इसका पूरा और भरपूर फायदा उठाना चाहिए। चलते नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ सवाल ये है कि सपने तो है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का तरीका क्या है, हम अपने सपनों को कैसे पूरा करें। तो देखिए दोस्त, सपनों को पूरा करने पे तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक स्लाइड आपको दिख रहा है, जहां पर ना कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी 1960 में जो व्यक्ति 100 रुपया इनकम करता था, जो व्यक्ति 100 रुपया इनकम करता था उसका परिवार चल जाता था ठीक ठाक। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर 20 साल बाद इंसान का पिछला इनकम से अगला इनकम जो होगा उसमें 10 गुना का डिफरेंस होना चाहिए। यानी 100 रुपया के बाद सीधा 1000 रुपया, और उसके 20 साल बाद 10,000, और अभी करेंट ईयर में जो हम लोग है 2020 में, हम सब का इनकम मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ होना चाहिए। तो मेरा सवाल आप में से कितने लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और अगर नहीं कमा रहे हैं तो डू यू हैव एनी ऑप्शंस, क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे आप 1 लाख कमा सकते हो? अगर है तो कंग्रेचुलेशन, और अगर नहीं है तो डोंट वरी, आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन। यानी यहाँ पर मैंने आपको शुरू में एक बोला ना कि अगर हमें अमीर बनना है तो हम तरीका किससे पूछेंगे, अमीर लोगों से ना। अगर हमें सफल बनना है, हम सफल लोगों से तरीका पूछेंगे। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके इनकम करना है तो बिल्कुल आपको एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए जो ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं। तो हम लोग, यानी जो आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, चाहे मैं हूँ या सर हैं या ग्रुप में बहुत सारे सीनियर लीडर्स है, ऑलरेडी दे आर अर्निंग वेल, तो वे आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कैसे इनकम करना चाहिए। तो देखिए, दो तरह का इनकम होता है लाइफ में, पहला होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। लेकिन आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम के ऊपर। एक्टिव इनकम यानी ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप इम्प्लॉई है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल से बिलोंग करते हो, लाइक आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो आप ना एक्टिव इनकम में हो, यानी जब तक काम करोगे तब तक आपको इनकम मिलेगा। बट टुडे विल टॉक अबाउट पैसिव इनकम, एक ऐसा इनकम जो शुरू में आपको मेहनत तो कराता है, लेकिन इनकम जो है ना लाइफ लॉन्ग आपको इनकम देता है, राइट? तो इसमें कौन से लोग आते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है, सम वेज टू अर्न पैसिव इनकम, राइट अ बेस्ट सेलिंग बुक। अगर आप एक किताब लिख सकते हैं तो भी आप पैसिव इनकम कर सकते हैं, अगर आप एक गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो सुपर डुपर हिट हो जाए, तो भी आप पैसिव इनकम, यू नो इन्वेस्टर है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो भी आप वहां से पैसिव इनकम कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, ये भी पैसिव इनकम देता है। लेकिन जितना भी कैटेगरी मैंने बताया, सारे चीजों में आपने देखिए कि शुरुआती समय आपका लगेगा, और कोई भी पैसिव इनकम देने वाला जो सिस्टम है वो स्टार्टिंग से ही हमको इनकम नहीं देता। यानी अगर आप हिसाब लिखने बैठिएगा तो उसमें भी समय लगता है, आप गाना गाइएगा उसमें भी प्रैक्टिस का जरूरत है। हर चीज जो पैसिव इनकम देता है शुरू में आपसे समय मांगता है, और शुरू में अच्छा खासा समय और इनकम बहुत सा कम, बहुत थोड़ा, और धीरे धीरे आपका जो समय है, एफर्ट है, वो घटता जाता है, आपका कोशिश जो है घटता जाता है और इनकम बढ़ता जाता है। तो क्या आप सब चाहेंगे कि एक ऐसा इनकम, मैंने शुरू में बोला कि आपको सिर्फ अपना स्पेयर टाइम, आपका जो फालतू का समय है, उसको यूज करके आप अपने घर से एक इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर सकते हैं और इनकम करना, यू नो पैसिव इनकम का जो बात कर रहा हूँ वो कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। वेलकम टू द सेशन फ्रेंड्स, क्योंकि वापस से बोलूंगा, इफ यू हैव ड्रीम्स तो आप बिल्कुल इस सेशन में डिजर्व करते हैं आने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जिस महान बिजनेस का मैं बात करने वाला हूँ, जिसका मैं बात कर रहा तब से, उस टर्मिनोलॉजी को बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं शुरू में बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग जो ये बिजनेस है बहुत ही शानदार, बहुत ही महान बिजनेस है। इसने दुनिया को कई करोड़पति दिए, बहुत सारे। आप अगर ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग डेटा को देखोगे तो मलेशिया 95%, यूएसए 55%, और मैं जाने बहुत सारी कंट्रीज जो अपने देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ में बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं, और वहाँ के नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही हाई लेवल का है। हम इतने पीछे अभी तक क्यों हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट, और 2016 से पहले एक कोई कानून नहीं था, बट अभी हम लोग लकी है कि हमारे पास
एक लॉ है। तो इसी वजह से इंडिया जो टॉप 20 में भी नहीं आता था, नाउ इंडिया इज इन टॉप 15, यानी ग्रोथ हो रहा है। और फिक्की और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 64,000 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाला है ये 2025 तक। यानी आप लोग बिल्कुल सही और परफेक्ट समय में ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, सॉरी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। आज अगर आप एक सही डिसीजन ले पाए, आज अगर आप इस चीज को समझ पाए ओपन माइंडेड, तो आप बिल्कुल एक सही प्लेटफॉर्म में है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बट आज मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। वाई मोदी केयर? मोदी केयर ही क्यों? आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, मोदी केयर इसलिए क्योंकि मोदी केयर ना भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आप में से अगर कई सारे लोगों को मैं पूछूंगा कि चांद पे पहला कदम किसने रखा, आप में से मैक्सिमम लोग का आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग, सबको मालूम है। लेकिन चांद पे दूसरा कदम किसने रखा जब पूछा जाएगा तो शायद ही किसी को मालूम होगा। इसी तरह भारत में जो पहला डायरेक्ट सेलिंग का कदम यानी उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुआ, वो हुआ इंडियन कंपनी मोदी केयर के द्वारा 1996। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आती गई, हमें कॉपी कर दी गई और इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बना। पर शुरुआत जो है मोदी केयर ने किया था, क्योंकि घर जब बनाते हैं ना बुनियाद का ईंट किसने रखा, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक ईंट रखना पड़ता है तब जाके पूरा बिल्डिंग बनता है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने का काम मोदी केयर ने किया और एक माहौल बनाया इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का। थोड़ा कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं। आपको जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, ये कंपनी महज 400 रुपये से शुरू हुआ था 1933 में और एक शुगर मिल की स्थापना की गई थी बेगमाबाद में, जिनका आज उस शहर का नाम मोदी नगर हो चुका है। आप लोग गूगल मैप में सर्च कर सकते हैं। 1933 से लेकर 1972 तक 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई और 1968 में पद्म भूषण का अवार्ड मिला तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद इनका नेक्स्ट जनरेशन यानी के मोदी जी ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और 90 से भी ज्यादा देशों में, जस्ट इमेजिन, आज मोदी ग्रुप का जो मिल्कियत है वो 90 से भी ज्यादा देशों में है और हमारे पास मोदी ग्रुप में 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज कार्यरत है इस वक्त। थर्ड जनरेशन में आते हैं, मोदी केयर का जो चेयरमैन है, जो हम लोग का मैनेजिंग डायरेक्टर है, इज नन अदर देन समीर मोदी। थर्ड जनरेशन ऑफ दिस बिजनेस, मोदी ग्रुप के तीसरे पीढ़ी के जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। मोदी केयर में देखिए की पॉइंट्स क्या है, मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स हर महीना हमारे साथ 3 लाख से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का हम लोग फाउंडर मेंबर है। जिस तरह बैंक को रेगुलेट करने के लिए RBI होता है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए IRDA होता है, उसी तरह जब 2016 से पहले कोई नॉर्म्स नहीं था उस समय कुछ प्रमुख डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और इनका काम था मॉनिटरिंग करना, देखना कि कौन खराब काम कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन लीगल है, कौन इलीगल है, एथिकल और अनएथिकल। तो उस IDSA का फाउंडर मेंबर है मोदी केयर। रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैं शुरू में बोला ये बिजनेस आपको रोमांचित करेगा, क्यों? ये आपके आपके द्वारा किए गए कार्यों के हिसाब से परिणाम देता है। और GMP सर्टिफाइड हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी जितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मोदी केयर में वो GMP सर्टिफाइड है। मोदी केयर प्रोडक्ट रेंज, अब बात करते हैं सीधा प्रोडक्ट रेंज के ऊपर, किस तरह का प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट रेंज क्यों बात करना जरूरी है, क्योंकि अब यहीं से असली गेम स्टार्ट होगा। देखिए हम लोग ना कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पार्ट वन पे बात करता हूँ, एक कंज्यूमर। आज हम लोग सबको, आप जो लोग सेशन सुन रहे हैं या मैं जो सेशन आप लोगों को सुना रहा हूँ, हम सब कंज्यूमर है, कस्टमर है, कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम कहीं ना कहीं से इन 12 कैटेगरी में अगर देखिएगा, चाहे वेलनेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन हो, यानी हम कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स बच्चों के लिए लेते हैं, अपने लिए भी लेते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं जो वेलनेस कैटेगरी में आता है, कलर कॉस्मेटिक में अगर आएंगे तो अपने घर में माँ बहन बीवी के लिए हम लोग लिपस्टिक्स और बाकी कॉस्मेटिक्स वगैरह लेते हैं। स्किन केयर में बात करेंगे, हम लोग सारे लोग यूज करते हैं। फूड एंड बेवरेजेस, हम लोग घी हो, शहद हो, चाय पत्ती हो, जो भी हम लोग घर में एज अ कंज्यूमर यूज करते हैं, हमें क्या करना है, वही प्रोडक्ट यहाँ भी यूज करना है। वी डोंट नीड टू डू समथिंग न्यू, हमें कुछ नया नहीं करना है। और ये चीजें करके ही हमारा यहाँ से ना जो 2530,000 का मैं इनकम बात कर रहा था यहीं से आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको एक माइंड सेट बनाना है कि हमें प्रोडक्ट जो आज तक हम यूज करते आ रहे हैं वो वही करना है। We don't need to do something new. आपको प्रोडक्ट में सेल करने भी नहीं बोल रहा हूँ, राइट? तो इसमें
चाहे कुछ भी प्रोडक्ट आप मार्केट से प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, टूथपेस्ट वगैरह, यहाँ से वो यूज करना शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि मार्केट और यहाँ पर डिफरेंस क्या। देखिए मार्केट से जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, अभी कंज्यूमर का बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे अभी तक अच्छा से नहीं सुने, बट दिस इज टाइम टू लिसन केयरफुली, अभी से गौर से सुनिए क्योंकि यहीं से इनकम वाला जो पार्ट शुरू होगा। तो नंबर वन, डिस्काउंट जो है मार्केट में मान के चलिए 1-2% आपको मिल जाता है, हालांकि मिलता तो नहीं है लेकिन मैंने 2% मेंशन किया है। मोदी केयर में क्या है, आपको 2% तक का, सॉरी 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी के ऊपर। पहला बेनिफिट आप हिसाब कीजिए, यानी अगर आप मार्केट में 3,000 रुपये का प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो वहां पर आपको 3,000 का ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर 3,000 रुपये आप देते हैं आपको 3,600 रुपये एमआरपी वैल्यू का प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि 20% डिस्काउंट हो जा रहा है एमआरपी पे। कैशबैक, क्या मार्केट से आपको आज तक कैशबैक मिला है? आपको ऐसा कभी बोला है कि नहीं आप 10 रुपये का अगरबत्ती लिए हैं आपका अकाउंट में 2 रुपये चल जाएगा एज ए कमीशन? ऐसा नहीं होता। बट मोदी केयर से जैसे आपने अपना दुकान बदला, आपने कुछ नया नहीं किया, आपने दुकान बदला और आपको 7 से लेकर 16% तक आपके अकाउंट में कैशबैक जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है गिफ्ट। मार्केट में कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, बाई चांस फेस्टिवल सीजन में अगर कहीं मिल जाता है लेकिन आपसे दुगने दाम वसूला जाता है। यहाँ पर हर महीना आप जो खरीदारी करते हैं ना उसके ऊपर 10 से लेकर 15% तक फ्री गिफ्ट मिलता है, यानी अगर आप 3,000 का परचेज करते हैं तो आपको 300 से लेकर 350 रुपया तक का गिफ्ट हर महीना हर परचेज के ऊपर मिलेगा। आप अगर 1,000 का लेते हैं आपको 100 रुपये का गिफ्ट मिलेगा गारंटी। अब आते हैं मार्केट के प्रोडक्ट। आप मार्केट के सपोज कोई अपने स्किन केयर प्रोडक्ट यूज किया जिसमें आपको बताया कि आप 7 दिनों में गोरे हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं होते हैं, आप अनसेटिस्फाइड है, वो टेलीविजन में झूठा ऐड दिखाया आप 7 दिनों में गोरे नहीं हुए, क्या आप अगर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने जाएंगे शॉपकीपर आपसे रिटर्न लेता है? नहीं लेता है। बट मोदी केयर से किए गए हर परचेज के ऊपर आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखित गारंटी रहता है। हमारी कंपनी के चेयरमैन समीर मोदी जी का वो लिखते हैं, आई पर्सनली गारंटी टू रिफंड योर ऑल अमाउंट इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप 100% संतुष्ट नहीं है तो आपके पूरे पैसे वापस करने का गारंटी मैं देता हूँ। अब आते हैं पांचवा पॉइंट, लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या है, आप अगर 6 महीना तक बिना रुके यानी बीच में बिना स्किप के मिनिमम 2,500 रुपया करके शॉपिंग करते हैं तो 7वें महीने में ना आपको 1 मंथ का यानी 2,500 रुपये का पूरा प्रोडक्ट फ्री मिलता है। उसके नीचे पॉइंट 6 है लॉयल्टी प्लस। व्हाट इज दिस, आप जिस महीना आपको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है यानी आप बिना रुके कंटिन्यू अगर 1 साल तक परचेज करते हैं तो आपको 2+1 यानी 3 बार प्रोडक्ट फ्री मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर का जरूरत 5,000 रुपया महीना है और आप 5,000 रुपया इंटू 12 महीना कंटिन्यू शॉपिंग करते हैं, 60 आपको 60,000 का शॉपिंग होता है टोटल, तो जितने बेनिफिट्स तो मिलेंगे, इसके अलावा आपको 15,000 का प्रोडक्ट यानी 5,000 करके 3 बार फ्री मिलेगा। तो अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो लोग भी आज इस सेशन में अभी तक बने हुए मेरे साथ, आपको ज्यादा बेनिफिट कहाँ है? ये तो थी हम एज ए यूजर हमारा क्या बेनिफिट है, लेकिन इस बेनिफिट से ना आप लोग 25-30,000 नहीं कमा सकते हैं। यहाँ आपको हर महीना 2,500 का बचत हो रहा है अगर आप 5,000 का शॉपिंग कर रहे हैं, 50% का बचत होता है। लेकिन मैंने तो आप लोगों को प्रॉमिस किया कि 25-30,000 का इनकम का जनरेशन दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक अनलिमिटेड इनकम की संभावना है। तो आइए अब कदम रखते हैं पार्ट टू के ऊपर कि कैसे हम लोग यहाँ इनकम कर सकते हैं, करना क्या है। वेरी सिंपल, मैं वापस से पिछला स्लाइड में जाता हूँ, गौर से देखिए इस कैटेगरी को, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 12 कैटेगरीज वी हैव एंड मोर देन 500 प्लस प्रोडक्ट, हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है जो हम लोग डेली लाइफ में ना यूज कर रहे हैं। आप लोगों का कुछ सवाल हो सकता है कि सर हम यहाँ से प्रोडक्ट क्यों खरीदें? ठीक है मत खरीदो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से तो खरीद ही रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपको वही खरीदना है यहाँ से। अगर आप नहीं प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैं बोलता ठीक है नहीं खरीदिए। दूसरी बात, मैंने आपको खरीदने का और भी रीजन दिखाया कि ये सारे बेनिफिट्स है, अगर ये बेनिफिट भी सफिशियंट नहीं है, आपको जिन्होंने भी लिंक सेंड किया है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जिन्होंने भी आज का जूम सेशन का लिंक आपको सेंड किया उनसे ये जैसे ही मीटिंग कंप्लीट होगा ना तुरंत उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और उनसे पूरा डिटेल्स लीजिए कि और क्या बेनिफिट है बताइए, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। वे आपको और भी बेनिफिट बताएंगे, जैसे कि अभी बहुत सारा ऑफर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा पीवी हो या हम लोग का बाकी सारे जो ऑफर्स, लकी ड्रॉ होता है हर महीना, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको जिन्होंने भी लिंक सेंड किया उनसे इमीडिएटली कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अब देखिए पार्ट टू, अब नाउ गेट रेडी, जो मेन आज का अट्रैक्शन था कि इनकम कैसे किया जाएगा, मैं उस पर आता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए मैं आपको
प्लान पे नहीं जाता, मैं मोटा मोटी एक कैलकुलेशन कराता हूँ। प्लान आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे इमिडिएटली कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको वो प्लान पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे इनकम किया जाता है, क्योंकि मुझे तो बस सीधा और सरल तरीका पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इफ यू आर एबल टू बिल्ड योर नेटवर्क तो आपको इनकम करने से कोई रोक नहीं सकता। पहला महीना क्या करना है, देखिए फर्स्ट मंथ में है कि आप आए और आपने एक मिनिमम खरीदारी किया, कितना का किया आपने, आपने 1200 रुपया का किया, इसको आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण के लिए 1200 बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि मिनिमम आपने जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल किया अपने फोन पे, क्योंकि घर से किया जाने वाला मैं बिजनेस बोल रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यूज करते हो, बस ऐसे ही प्ले स्टोर से और एक एप्लीकेशन है जो आपको पैसे कमा के देती है, उस एप्लीकेशन का नाम है क्या, मोदी केयर। आपको मोदी केयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके ना पहला जो आप परचेज ऑर्डर मारिएगा वो कम से कम 50 PV का कीजिए, 50 PV को अगर रुपीज में मैं कन्वर्ट करूँ तो 2600-2700 रुपया का होगा। आप बस 2500 से लेकर 3000 के बीच का ऑर्डर प्लेस कीजिए। अब इतना ही क्यों, मैं इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। आपको ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या करना होता है, आप 6 लोगों को, 6 दोस्तों को अपना खोजिए जो टूथपेस्ट करते हैं, टूथब्रश करते हैं, जो नहाते भी है, आई मीन आपके ऐसे दोस्त जो कंज्यूमर है, एंड आई बिलीव कि आपके सारे दोस्त ये सारी चीजें करते होंगे, उनको 6 दोस्तों को आपको एप्स इंस्टॉल करवाना है, क्या करवाना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना मोदी केयर का, और उनको फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कराना है जैसे आपने किया। सवाल अगर फिर से आपका वही रहेगा, सर क्यों ऑर्डर करेगा, भाई वो ऑलरेडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से दुकान से परचेज कर रहे हैं, और वो उनका अपना तो किसी का दुकान नहीं है ना जो उनको अमीर कर रहे हैं, तो हमें जब यहाँ इनकम आएगा तो हम यहाँ से करेंगे, वेरी सिंपल। तो पहला महीना में आप अगर 1200 रुपये का ऑर्डर करते हैं तो आपको एक छोटा सा इनकम आता है 40 रुपये, हम लोग के हिसाब से इसको 40 से 42 होगा, आपको अगर 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता 42 रुपीज का इनकम होगा। मंथ टू में देखिए आपने अपने 6 दोस्तों को बोला और 6 दोस्तों ने भी मोदी केयर के एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, तो टोटल शॉपिंग कितना का, 7200 का, और आपको एक शानदार इनकम आता है, कितना, 200 रुपया। घबराइए नहीं, अभी तो तीसरा महीना बचा है, थर्ड महीना में ना वे 6 लोग, आपके 6 दोस्त जिनको आपने इनवाइट किया था, उन्होंने भी अपने 6 दोस्तों को इनवाइट किया कि भाई दुकान बदलो, किस्मत बदलेगी, तो आपको टोटल 36 दोस्त आते हैं, 36 लोग आपके टीम में आते हैं, आपके नेटवर्क में आते हैं, और यहाँ पर आपका टोटल जो टर्नओवर होता है, यानी टोटल जो परचेज किया जाता है वो होता है 43,200 रुपया, 43,200, एंड योर इनकम वुड बी अराउंड 700 to 900, 700 से 900 के बीच में, मैंने 800 लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये 90 डेज कंप्लीट होते होते, ये 3 महीना ना 90 दिन होता है, 90 दिन कंप्लीट होते होते आप में से अधिकतर लोग इस बिजनेस को छोड़ चुके होंगे, क्योंकि 3 महीना ही होता है ना ये जो ड्यूरेशन होता है वो क्रूशियल होता है, यहाँ बहुत सारे लोग यहीं तक टिक नहीं पाते हैं। और जो इस लेवल को क्रॉस करते हैं, 4th महीना में कदम रखते हैं, देखिए 4th मंथ में ना वे 36 लोग जब 6 लोगों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं और उससे बस एक ऑर्डर प्लेस करवाते हैं मिनिमम 1200 रुपया का, यानी कोई मना नहीं कर सकता यार। अगर कोई बोलेगा कि मेरे घर वाले दूसरे दुकान से लाइक कोई भी अच्छा स्टोर से लाते हैं, बिग बाजार, पतंजलि, जहां से भी, तो आप ना सिर्फ अपना जरूरत जो आप यूज करते हो, परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया, शेविंग जेल हो गया, आप अपना तो कहीं से भी ले सकते हो ना, और उसका मंथली बजट अराउंड 1000-1200 का होता है, इसलिए मैंने 1000-1200 लिखा। तो आपके जब 36 लोग 6-6 दोस्तों को या 6-6 गेस्ट को इनवाइट करते हैं इस तरह के जूम मीटिंग में, या फिर आप लोग ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो अगर पॉसिबल है, तो आपका जो यहाँ पर टर्नओवर होता है, देखिए ये होता है कंपाउंडिंग ग्रोथ, यहाँ से ना स्प्रेड होना चालू हुआ, अभी कोरोना के टाइम में ये स्प्रेड वर्ड बोलना सही रहेगा, स्प्रेड होता है, तो यहाँ से आपका इनकम, आपका जो इनकम होता है दैट वुड बी अराउंड 22,000, 22,000, मैंने प्रॉमिस किया था ना 25,000 से लेकर 32,000, यहाँ 22,000 से हालांकि ज्यादा इनकम होगा, मैंने मिनिमम कैलकुलेशन किया है, आप यहाँ डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर बोनस चेंज हो चुका है, तो कुल मिलाकर आपको 22,000 से लेकर 25,000 का इनकम है शुरू। यहाँ तक आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, सिंपल काम करना है, प्ले स्टोर में जाना है, इस मीटिंग के बाद जिन्होंने आपको लिंक भेजा है उससे थोड़ा फोन पे बातचीत कर सकते हैं और थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, प्ले स्टोर में जाना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, अपना पहला ऑर्डर 50 PV का ऑर्डर करना है, दैट वुड बी अराउंड 2500 से लेकर 3000 के बीच में, आप घर का जरूरत का सामान यूज जो इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर करना है, और बाकी बचे हुए दिनों में अपने 6 दोस्तों को खोजना है। जिंदगी में एक बार 6 फ्रेंड्स को तो आप खोज ही पाओगे ना, लाइफ में एक बार खोजना है, उनको फिर
पुश करना है, उनको बताना है कि आप भी इसलिए इस सिस्टम में आए हो सो दैट यू कैन अर्न। और देखिएगा चौथा महीना आते आते आप 22,000 से 25,000 का इनकम कर सकते हो। और यहाँ तक का जो इनकम है ना फ्रेंड्स, यहाँ तक का इनकम बहुत ही नॉमिनल है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये इनकम जस्ट शुरुआत है, स्टार्टिंग है। पांचवा महीना में आपका वो 216 फ्रेंड्स जो आपके साथ आए हैं, 216 गेस्ट या रिलेटिव्स जो भी आपके साथ आए थे, वे अगर 6-6 करते हैं तो 1296 लोग पांचवे महीने में आते हैं और आपका बिजनेस का टर्नओवर आप यहाँ देख सकते हैं और एंड योर इनकम विल बी 2,41,000 एंड दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट। जानते हैं फ्रेंड्स कंपाउंडिंग इफेक्ट को दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाता है। और मैं ये मैथमेटिक्स कोई आपको ट्रैप ट्रैप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ट्रैप नहीं है ये, क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब होता है 10 × 10 × 10। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 के बाद सीधा 100, 100 के बाद 1000 होता है। और मैथमेटिक्स इज नेवर रॉन्ग, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है और ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया, इससे आसान और सीधा तरीका से पॉसिबल नहीं है। आपको बस इतना करना, पहला महीना आप आइए, इस महीना आप लोग जो भी जूम सेशन को ले रहे हैं अच्छा से इसको सुनिए एंड देन टेक योर डिसीजन। अब आप का जो पूरा फैसला आपका है, मेरे सिर्फ बात सुन के आप लोग ना कुछ देर के लिए आंखें बंद कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि फैसला आपका दिल जो बोले वो करना चाहिए। तो मेरे बात बताए हुए बात पर मत कीजिए, मैं 3 काउंट करूंगा 1 2 3 करके, आप लोग 5 सेकंड के लिए अपने आंखें बंद करेंगे और अपना दाहिना हाथ ना अपना दिल के ऊपर रखिए, हार्ट के ऊपर, एंड टेक योर डिसीजन। क्योंकि इस बिजनेस में ना आपको, अगर आप जरा सोचिए, पूछिए, आंखें बंद कर पूछिए कि आपका इसमें नुकसान क्या है। अगर आपको आंसर आया कि आपका कोई नुकसान नहीं है जो भी, तो मैं 1 2 3 करूंगा, आई बिलीव कि आप मेरे साथ रिपीट करोगे। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3, क्लोज योर आईज और आंखें बंद करके ना खुद से पूछिए, आज अगर मैं इस बिजनेस में आता हूं तो मेरा नुकसान क्या है। चलिए आंखें खोल दीजिए, आपको आंसर मिलेगा कि आपका ये नुकसान नहीं, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे। आप जो प्रोडक्ट मार्केट से यूज कर रहे थे ना, वही प्रोडक्ट यहाँ से यूज करना है। और जब कोई नुकसान नहीं है ना, चलिए ना एक बार करके देखते हैं। आपको जिन्होंने भी आज इन्वाइट किया, बिलीव मी, वे कहीं ना कहीं आपके भला चाहता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टू हेल्पिंग अदर्स, यहाँ हम दूसरों का हेल्प करते हैं तो हमारा खुद का प्रोग्रेस होता है। और ऐसा बिजनेस अगर सच में ये मॉडल है ना, तो मैं तो बोलूंगा सबको करना चाहिए, बिकॉज दुनिया का एकमात्र बिजनेस जो आपको सिखा रहा है कि आप दूसरा को आगे बढ़ाओगे तो खुद आगे बढ़ोगे। बाकी बिजनेस तो सीख रहा था पैर खींचना, तो क्या हम सिर्फ प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते और पहला ऑर्डर घर का जो जरूरत का सामान है वो ऑर्डर नहीं मार सकते? और अपने 6 लोगों को, 6 आप अपना कलीग्स हो सकता है, आपका ऑफिस में आपका स्टूडेंट, आपका कोई भी हो सकते हैं, 6 लोगों को इन्वॉल्व करना है ताकि उनका उनको भी आप 25 से 30,000 इनकम करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आज का प्रेजेंटेशन में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, और मेरा इंटेंशन ना इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। मेरा इंटेंशन या जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया उनका इरादा आपको 3,000 का प्रोडक्ट बेचना नहीं है, क्योंकि वे 3,000 का प्रोडक्ट बेच के आज 22-25,000 या करोड़पति लखपति नहीं बन सकते हैं, वे BMW जैगवार नहीं चला सकते हैं। आज चंचल सर इस ग्रुप में है, वे जैगवार चला रहे हैं तो उन्होंने 3,000 का प्रोडक्ट किसी को बेच के नहीं, बट हाँ उन्होंने एक चीज किया, और जितने भी सारे सफल लोग हैं, जितने भी सारे सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने सारे लोगों ने एक चीज किया, जानते हैं क्या? उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। किन्हीं का भी अपना नाम लीजिए, टाटा, बिरला, रिलायंस, जिनका भी नाम लीजिएगा ना, दे ऑल हैव देयर ओन नेटवर्क। जिनका नेटवर्क नहीं है उनका कोई वो सक्सेसफुल आज के डेट में नहीं हो सकता। तो एट लास्ट जिसके पास जनता है, दुनिया उसका सुनता है। थैंक यू वेरी मच।